नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल 24 में। और आज इतिहास सीरीज के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं असहयोग आंदोलन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो असहयोग आंदोलन क्या है, कैसा है, आज पूरे समझने के पहले हम देख लेते हैं कि इससे रिलेटेड किस प्रकार के प्रश्न एग्जामों में आते हैं। तो महात्मा गांधी पहला आंदोलन कौन सा था, ये पूछा जाता है एग्जामों में। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया, ये पूछा जाता है एग्जामों में। और किस घटना के कारण ये असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर एग्जामों में आए हुए हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं। तो इस टॉपिक के एक भी पॉइंट को बिल्कुल भी मिस किए बिना वीडियो को पूरा देखें। चलिए आगे हम देखते हैं। तो इस टॉपिक को पढ़ेंगे हम, इसका बैकग्राउंड क्या था, इसमें घटनाक्रम क्या क्या इंसिडेंट हुए वो देखेंगे, फिर इसमें रिजल्ट क्या निकला वो देखा जाएगा, और लास्ट में इस सबकी एक समरी देखेंगे कि कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको याद रखने हैं और जो एग्ज़ामों में आएंगे। तो चलिए एक एक कवर करते हैं। पहला देख लेते हैं इसका बैकग्राउंड क्या था। तो बैकग्राउंड इसका देखते हैं, तो पहला विश्व युद्ध जो 1914 से 1919 तक में हुआ था, इसमें ब्रिटिश सरकार पे बहुत सारा आर्थिक भार आ गया था, और इस भार को कंप्लीट करने के लिए उन्होंने भारत में भी बहुत सारे टैक्सेस को इंक्रीज़ कर दिया था। किसानों को नील, तंबाकू और कपास की खेती के लिए बहुत इंसिस्ट किया जा रहा था, और रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, फिर खिलाफत आंदोलन हुआ, फिर उसके पहले होम रूल लीग आंदोलन हुआ था। इन सारे आंदोलनों से ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जनता का बहुत ज़्यादा विरोध था, जो इस आंदोलन में पहली बार निकल के आया कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो था उसके माध्यम से उन्होंने द्वैत शासन लागू किया, उसका भी एक कहीं ना कहीं विरोध था। और इन सब विरोध की वजह से ब्रिटिश सरकार के ऊपर भारतीयों का जो विरोध था वो बढ़ गया, और रिजल्ट निकला कि असहयोग आंदोलन घटा। तो कैसे घटा, इसकी शुरुआत हुई असहयोग आंदोलन की 1 अगस्त 1920 में। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, क्योंकि इसी दिन 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की डेथ हो गई थी। और बाल गंगाधर तिलक वही व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज को लेकर के पूरे देश में एक माहौल बनाया था होम रूल लीग आंदोलन के दौरान। तो उनके इस स्वराज को इस आंदोलन का एक प्रमुख आधार माना गया, और हुआ ये कि एक तिलक के नाम पे ही एक फंड तैयार हुआ, तिलक स्वराज फंड उनकी स्मृति में। इसमें लोगों ने पैसे इकट्ठा किए, शिक्षा व्यवस्था, भारतीय स्वास्थ्य, भारतीय व्यवसाय या भारत की दृष्टि से क्या क्या हो सकता था उनके हेड पे इस पैसे को खर्च किया जाएगा। आगे ये हुआ कि सितंबर 1920 में जो एग्जीक्यूटिव बॉडी थी कांग्रेस की, उसने इस असहयोग आंदोलन को शुरू करने का प्रस्ताव पास कर दिया। कांग्रेस की जो बॉडी थी उसमें से भी कुछ लोग ऐसे थे जो लोग इसके समर्थन में नहीं थे, और इसी बॉडी पे गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि हम एक वर्ष में स्वराज प्राप्त कर लेंगे। गांधी जी का ये स्टेटमेंट कई बार प्रश्नों में पूछा जाता है कि एक वर्ष में स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य गांधी जी ने किस आंदोलन में दिया था, तो ये था असहयोग आंदोलन। ये जो कांग्रेस कार्य समिति की बैठक थी इसमें एनी बेसेंट, मालवीय जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, विपिन चंद पाल, ये सब जो लोग थे स्वराज का कोई आंदोलन हो इसके पक्षधर नहीं थे, जबकि जो मोहम्मद अली थे वो बहुत सहयोगी थे इसमें। तो इस तरीके से गांधी जी ने विरोध के बावजूद इस प्रस्ताव को पास करवा लिया, और रिजल्ट निकला कि ये आंदोलन शुरू हो गया। अब शुरू हुआ तो कांग्रेस का जो हर साल दिसंबर के महीने में जो अधिवेशन होते थे, अब ये कार्य समिति एग्जीक्यूटिव बॉडी में तो ये पास कर लिया गया, लेकिन जो नागपुर में उनका अधिवेशन हुआ 1920 में दिसंबर में, उस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो हाकिम अजमल थे, कई बार प्रश्न आता है। और कांग्रेस ने जो उसका ट्रेडिशनल तरीका था, जो परंपरागत विरोध करने का जो तरीका था कि पहले हम प्रेयर करेंगे, पिटीशन करेंगे या प्रोटेस्ट करेंगे, तो यानी PPP का जो फॉर्मूला था, इस फॉर्मूले से अलग हो करके हम अहिंसात्मक रूप से कार्य करेंगे और स्वराज प्राप्ति की दिशा में कार्य करेंगे। बहुत सारे लोग इसमें विरोध के थे जो पक्षधर नहीं थे कि ऐसा कुछ हो, तनातनी में इसके विरोध स्वरूप में मोहम्मद अली जो जिन्ना थे वो कांग्रेस से अलग हो गए, और इसके बाद ही फिर अलग ही रहे पूरे आंदोलन में कांग्रेस से। इस दिसंबर के अधिवेशन में एक और बड़ी बात हुई कि कांग्रेस ने कहा जो ग्रामीण क्षेत्र पे विस्तार हो ऐसा बात हुई, और भाषा के आधार पर प्रोविंस लेवल पे कांग्रेस का एक्सपेंशन किया जाए। याद रखना कई बार ये क्वेश्चन आता है कि भाषा के आधार पर कांग्रेस का राज्यों में जो गठन हो ये कब से शुरू हुआ था, नागपुर अधिवेशन 1920 से। पूरे अधिवेशन में कांग्रेस ने अपनी सदस्यता उसको इंक्रीज करने के लिए उन्हें जोड़ दिया। और इन सब के बाद हुआ क्या क्या कि जितने भी असहयोग आंदोलन के समर्थक थे उनको बोला गया कि आप अपनी उपाधियां त्याग दीजिए जो ब्रिटिश सरकार से उनको मिली हुई हैं। जितने भी अवैतनिक पदों पर लोग थे उन्होंने अपना रिजिग्नेशन दे दिया, त्याग पत्र दे दिया। विदेशी जितनी भी वस्तुएं जो इम्पोर्ट हो रही थी बाहर से उन सब का बहिष्कार किया गया,
और सरकारी स्कूल जो थे, ब्रिटिश सरकार के कॉलेज थे, उन सबको बहिष्कार कर किया गया। यानी जो जितने भी स्टूडेंट थे उनको बोला गया आप स्कूल छोड़ दीजिए। वकीलों को बोला गया कि आप जो ब्रिटिश सरकार की न्याय व्यवस्था है उसका बहिष्कार करिए, उसमें कोर्ट में जाना बंद कर दो, जजों का बहिष्कार करना शुरू कर दो। इस तरीके से सरकारी और अर्ध सरकारी जितने भी प्रकार के उत्सव हो सकते थे उन सबका बहिष्कार किया गया। इन सारे इंसिडेंट का प्रभाव ब्रिटिश सरकार पर बहुत ज़्यादा हुआ और इसी बदलावों के क्रम में गांधी जी ने अपनी केसर ए हिंद की उपाधि वापस कर दी थी और जमनालाल बजाज एक जो व्यक्ति थे इन्होंने राय बहादुर की उपाधि त्याग दी थी। कई बार प्रश्न आता है काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ और जामिया मिलिया इस्लामिया, ये पहले अलीगढ़ में थी, बाद में आज की डेट में ये जो यूनिवर्सिटी है ये दिल्ली में है। तो ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट खोले गए जिससे हमारे भारतीय लोगों को भारतीय तरीके से शिक्षा दी जाए भारत के लोगों के द्वारा, मतलब हम ब्रिटिश सरकार पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट ना हो ऐसा प्रयास किया गया। और इसी क्रम में कलकत्ता में एक नेशनल कॉलेज खोला गया और यहाँ के जो प्रिंसिपल बनाए गए वो सुभाष चंद्र बोस बने। देखिए इस सुभाष चंद्र बोस का जो इसके बारे में बोला जाता है कि ये असहयोग आंदोलन के बाद ही वो भारत में जो सक्रिय आंदोलन में कूदे थे, क्योंकि इसके पहले वो लंदन में थे और वहाँ पर उन्होंने ICS का एग्ज़ाम क्लियर किया था और ICS के एग्ज़ाम क्लियर करके बाद वो भारत आए और वो चितरंजन दास के काफ़ी करीब हुए, उनके साथ जुड़ करके इन्होंने इस पूरे मूवमेंट में काम किया। सुभाष चंद्र बोस के बाद में के आंदोलन का धीरे धीरे विस्तार किया गया, बहुत नए नए स्थान जैसे उत्तर भारत क्षेत्र और पश्चिमी भारत क्षेत्र है, बंगाल का जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा विदेशी कपड़े जलाए गए। कई बार प्रश्न आता है कि विदेशी वस्त्र जलाने का विरोध किसने किया था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसका विरोध किया था कि ऐसे बर्बादी आप मत करो, निष्ठुर बर्बादी इसको वर्ड कहा था। और जो मोतीलाल नेहरू थे, सरदार पटेल थे, चितरंजन दास, सारे नेता गिरफ्तार कर लिए गए और इनमें से सबसे पहली जो गिरफ्तारी हुई थी वो मोहम्मद अली की थी। तो मोहम्मद अली इस आंदोलन में इसलिए भी थे क्योंकि खिलाफत का जो आंदोलन था वो धीरे धीरे असहयोग आंदोलन का हिस्सा बन गया था। और यहाँ पर एक और घटना इम्पॉर्टेंट है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आती है कि असहयोग आंदोलन के दौरान ही 1921 में जो प्रिंस ऑफ वेल्स थे ये भारत आए हुए थे। ठीक है, प्रश्न कई बार बनता है कि निम्न में से किस आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए थे, और इसी दौरान 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा आप देख रहे हैं मैप में, ये चौरी चौरा गोरखपुर के पास का एक गाँव है जहाँ पर यह घटना घटी थी। जब लोग विरोध कर रहे थे तो वहाँ पर पुलिस ने अपनी कार्रवाई करने के लिए वहाँ पर लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया, उनको इधर उधर करने की कोशिश की, लोग जो है वो भड़क गए और उन्होंने पुलिस पर वापस में अटैक कर दिया सामूहिक रूप से। थाने में उनको बंद करके 23 लोगों को लगभग वहाँ पर आग लगा दी गई जिसके 23 लोगों की हत्या हो गई। इस हिंसा के बाद ही गांधी जी ने बोला कि हमने चूंकि ये आंदोलन अहिंसा पर आधारित रखा हुआ था इसलिए इस घटना के बाद दुखित होकर के गांधी जी ने ये आंदोलन समाप्त घोषित कर दिया। इसका रिजल्ट ये निकला कि गांधी जी का बहुत विरोध हुआ, बहुत सारे लोग गांधी जी के अगेंस्ट हो गए कि आपने गलत निर्णय लिया। इस पूरे मूवमेंट में जो एक और खास बात निकल के आती है कि जो खादी और चरखा था ये आंदोलन का प्रतीक माना जाता था। सुभाष चंद्र बोस ने युवाओं का एक दल वॉलंटियर कॉर्प बना रखा था जो लगभग पुलिस के जैसा ही था, जो ड्रेस भी होती थी और वो जो भी अपने आंदोलन के लोग हैं उनको डिसिप्लिन में लाना, उनको अनुशासित करना, ये सारे काम सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किए जा रहे थे। कुछ और फैक्ट हैं जो इससे रिलेटेड हैं, जैसे सरोजनी नायडू ने बंगाल में महिलाओं का राष्ट्रीय स्त्री संघ बनाया था, फिर दुर्गाबाई देशमुख ने देवसे विकास संघ में देवदासी जो महिलाएं थी आंध्र प्रदेश की उनका एक संगठन बनाया था और उनका भी आंदोलन से जुड़ा था। एक और फैक्ट आता है कि उस समय तत्कालिक रूप से वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड ये उस समय पे वायसराय थे। और इस तरीके के प्रश्न हमारे एग्जाम में आए। उसके बाद इस पूरे घटनाक्रम का रिजल्ट क्या निकला कि इस आंदोलन में पहली बार ऐसा हुआ में भारत की जो जनता ने उस ब्रिटिश सरकार के खिलाफ खुल करके सक्रिय हुई। और एक और बड़ी घटना थी कि इस आंदोलन में प्रभाव ये पड़ा कि हिंदू मुस्लिम जो थे वो समुदाय पहली बार एक साथ आए, राजनीतिक अधिकारों के लिए जो जनता के मन में था वो चेतना जो बढ़ गई, लोग अब अपने अधिकारों के लिए सरकार से सीधे सीधे प्रत्यक्ष बात कर सकते थे, लोगों को जानकारियाँ होना शुरू हो गई, तो अवेयर काफ़ी हुए थे लोग। एक और फायदा ये हुआ कि व्यवसायी जितने भी थे उनको स्वदेशीकरण से सीधा सीधा लाभ हुआ, जो विदेशी इंपोर्ट हो रहा था वो कम हुआ तो उनका अपना खुद का प्रोडक्शन बढ़ा और उससे उनकी जो बेनिफिट है वो बढ़ा। महिलाओं की भागीदारी से भी क्या हुआ, स्वदेशी उत्पादों में बढ़ोतरी हुई, महिलाएं चरखे से काट करके सूत बनाती थी और उससे भी बहुत सारे कपड़े वस्त्रों का निर्माण होता था, तो इससे भी बड़ा एक कुटीर उद्योग छोटे स्तर पर खड़ा हो गया जिसपे महिलाओं का बहुत ज़्यादा रोल था। एक और आंदोलन का प्रभाव पड़ा कि स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी की जो भूमिका थी, इम्पोर्टेंस थी, बढ़ गया क्योंकि एक बड़े पूरे मास भारत के लेवल पर एक बड़ा आंदोलन ये पहला था जिसमें गांधी जी ने अपना प्रत्यक्ष रोल निभाया। और इस पूरे रोल के बाद में
कि जब 5 फरवरी को यह घटना घटी थी तो 12 फरवरी को गांधी जी ने कांग्रेस की जो कार्यसमिति की एक बैठक हुई बारदोली में और वहाँ पर इस आंदोलन को स्थगित डिक्लेयर कर दिया। और उसके बाद मार्च 1922 में गांधी जी को ब्रिटिश सरकार ने 6 वर्ष के लिए गिरफ्तार कर लिया, लेकिन बाद में उनका स्वास्थ्य कारणों को देखते हुए उनको 1924 में रिहा भी कर दिया गया। कि कांग्रेस से अलग होकर के जो चितरंजन दास थे और मोतीलाल नेहरू थे, इन्होंने स्वराज पार्टी का गठन कर लिया और स्वराज पार्टी ने बाद में चुनावों में भागीदार लेकर के सफल भी हुई। तो इस प्रकार से ये जो पूरा था आंदोलन, ये खत्म हुआ। अब हम देख लेते हैं कि इस आंदोलन से संबंधित एग्जाम में कैसे प्रश्न आते हैं, उसकी समरी देख लेते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, बिल्कुल इनको गांठ बंद करके अच्छे से तैयार कर लीजिए, ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1 अगस्त 1920। तिलक स्वराज फंड का गठन हुआ, इसमें कांग्रेस के अधिवेशन से इसकी शुरुआत मानी जाती है। गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य रखा था। इसमें गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि त्यागी थी, जमलालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि त्यागी थी। शिक्षण संस्थान स्थापित हुए थे बहुत सारे, उसमें से एक था कोलकाता में नेशनल कॉलेज। विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई थी जिसका विरोध किया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन हुआ था। सरोजनी नायडू ने राष्ट्रीय स्त्री संघ की स्थापना की थी। वॉलंटियर कॉर्प का गठन जो किया था वो सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में हुआ। और चौरी चौरा कांड जो हुआ था वो 5 फरवरी 1922 को हुआ था और ये तत्कालिक वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे उस समय पे। तो दोस्तों धन्यवाद, आपने पूरे वीडियो को ध्यान से देखा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट करें, आपकी कोई राय है, कोई सजेशन हमें कमेंट करके बताएं। इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा जरूर हमें कमेंट करके बताएं।